वैष्णवी इजी लाइफ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बिना मशीन के सेव नमकीन बनाऊंगी। त्योहारों में आप बना सकते हैं, जैसे होली दिवाली, या जब भी खाने की इच्छा हो तभी बना लें। सभी के घर में मशीन नहीं रहती है सेव निकालने वाली, इसलिए आप बिना मशीन के निकाल सकते हैं। झारे से निकाल लें या कोई पॉलीथीन आपके घर में हो उससे निकाल लें। जितना मोटा पतला पॉलीथीन काटेंगे उस तरह का सेव निकलेगा, और झारा जैसे रहेगा मोटा पतला उसी तरह का मोटा पतला सेव निकलेगा। और आटा बिल्कुल नरम लगाएं, बेसन का जो आटा लगाते हैं सेव के लिए बिल्कुल नरम लगाएं, ताकि आप पॉलीथीन से निकालें जब ऐसे प्रेशर दें ना तो फटे ना। और एक अपील मैं आप सबसे कर रही हूँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर करें, भूलें ना, और बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट रेसिपी आपको मिलती रहे। तो बिना देर किए चलते हैं किचन में, बना लेते हैं सेव नमकीन। नमकीन बनाने के लिए हम 2 कप बेसन लेंगे, नॉर्मल बेसन है जिसके पकौड़े और कढ़ी वगैरह बनाते हैं। 1 कप ले लिए, 2 कप बेसन हो गया। बेसन को पहले मैं छान ली हूँ। कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। इसे क्रश करके डालेंगे तभी अच्छा टेस्ट आता है। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 2 पिंच हींग डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे या स्वाद अनुसार डाल लें। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, बहुत फायदा करती है। 2 चम्मच भर के इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, इससे बिल्कुल खस्ता बनती है नमकीन। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले और ऑयल मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एकदम से ना डालें नहीं तो ये गीला हो जाएगा। नरम डो लगा कर तैयार करेंगे। डो लगा कर हम तैयार कर लिए, एकदम नरम डो लगाना है। अभी बता रही हूँ क्यों नरम लगाना है। हम दूसरे बर्तन में रख लेंगे। पहले इसे मैं कवर करके 15 मिनट के लिए रख रही हूँ ताकि बेसन फूल के तैयार हो जाए। आधा कप बेसन हम और ले ले रहे हैं, इसका हम पापड़ी निकालेंगे। ये वाला जो पहले मैं लगा कर तैयार करी इसे थोड़ा सा नरम लगाना है, और ये जो पापड़ी के लिए है उससे थोड़ा सा टाइट लगाना है, क्योंकि पापड़ी निकालेंगे हम मशीन से नहीं निकालेंगे। सेम मसाला इसमें भी डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन, इसे क्रश कर लेंगे, 1 पिंच हींग, आधा चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे, आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक या स्वाद अनुसार डाल लें, मिला लेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, इसका डो थोड़ा सा टाइट लगाएंगे। पापड़ी के लिए भी डो लगा लिए और थोड़ा सा तेल लगाएंगे, लगा कर इसको रख देंगे। इसी में कवर करके इसे भी 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। 15-20 मिनट हो गया, आटा हमारा रेस्ट करके तैयार हो गया, फूल भी चुका है और बिल्कुल नरम है, आप देख पा रहे होंगे ये देखें, और ये टाइट है, बिल्कुल जैसे रोटी के लिए बनाते हैं। जिनके पास इस तरह के मशीन नहीं है वो आसानी से नमकीन बना सकते हैं, नहीं तो सब परेशान होते हैं कि हम कैसे बनाएं। बहुत लोग कमेंट करके पूछ चुके कि ये मशीन कहाँ पर मिलेगी। वैसे बहुत आसानी से मिल जाती है, किसी भी बर्तन की दुकान पे या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। और इस तरह का प्लेट मिलता है, जाली प्लेट, कई तरह के मोटा पतला रहता है, आप बना सकते हैं। पापड़ी भी निकलती है, तो मशीन ना हो ऐसे निकाल सकते हैं। बहुत आसानी से सेव निकल जाता है, जितना जैसे इसका छेद है उसी तरह से नमकीन मोटी पतली निकलेगी। और आप जैसे आप दूध ले आ रहे हैं उसकी थैली है, या आप कोई रिफाइंड ऑयल ले आ रहे होंगे इस तरह के उसकी थैली है, किसी में भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। इस डो को नरम इसलिए बनाए हैं कि जब आप ऐसे पॉलीथीन से निकालेंगे ना
प्रेशर देंगे, अगर आटा टाइट रहेगा तो नीचे से खुल जाती है यहाँ से, इसलिए डो एकदम नरम लगाएं। टाइट डो लगाएंगे जब आप प्रेशर ऐसे देंगे तो ये नीचे से खुल जाती है। नमकीन इससे भी निकाल कर दिखाएंगे। मैं एक गिलास में लगा दी हूँ और इसमें मैं आटा भर ले रही हूँ जो अभी नमकीन के लिए तैयार करी हूँ। ऐसे नरम लगाएंगे तो पॉलीथीन खुलेगी नहीं, इसमें हम भर लेंगे। तो मैं भर कर ही तैयार कर ले रही हूँ, पहले इसमें भर लिए, अब इसको हम एक तरफ कर लेंगे। आप चाहें तो इस पे रबड़ लगा सकते हैं यहाँ पर, ताकि ये जो डो है ऊपर की तरफ ना जाए जब ऐसे हम प्रेशर देंगे। तो पापड़ी बनाने के लिए इस तरह के पॉलीथीन ले लेंगे, इसमें कुकिंग ऑयल अप्लाई कर लेंगे ताकि डो चिपके ना इसमें। तेल लगाकर आप इस पे चकले पर भी बेल सकते हैं, लेकिन थोड़ा काम आसान हो जाता है इसलिए इस पे बेल लेंगे। इसमें से डो ले लेंगे, थोड़ा सा गोल कर लेंगे। अब इसी पॉलीथीन से हम इसे कवर कर देंगे और इसको हम बेल लेंगे कवर करके। बिल्कुल पतला बेलना है, इसे मोटा नहीं करना है। हल्के हाथ से ऐसे करते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, और इसे चकला ऐसे घुमा घुमा कर बेल देंगे एकदम पतला। इसे रोटी की तरह नहीं बेलना है, बस बेलन रख के इसको ऐसे खींचना है हल्के हाथ से, नहीं तो चिपक जाएगा। अब हम इसे ऊपर वाला कवर हटा देंगे और इसको पतला पतला काट लेंगे चाकू से। ऐसे हम बीच में से काट लिए हैं, ऐसे टुकड़ा निकाल लेंगे। आप चाहें तो पूरा इतना लंबा ही कढ़ाई में डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जगह लेता है, ज़्यादा तेल डालना पड़ता है। इस तरीके से आप पापड़ी तैयार कर लें। बिल्कुल पतली बेलेंगे तो कुरकुरी होगी, चकले पर भी बेल सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाएं और उसी तरह से हम बेल लेंगे जैसे रोटी बेलते हैं। इसे भी हल्के हाथ से ही बेलें, ज़्यादा प्रेशर न दें, ऐसे बेलन से खींच दें, पतला हो जाता है। इस तरीके से पतला बेल कर और सेम तरीके से काट लेंगे ऐसे, इधर से भी काट लेंगे ऐसे, निकाल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। गैस पे तेल रख दी हूँ और गैस का फ्लेम मीडियम रखते हैं। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम रखकर पहले मैं पापड़ी ही बना ले रही हूँ। आप मीडियम फ्लेम पर इसे तलेंगे तो बिल्कुल कुरकुरी बनेगी, और जितना कढ़ाई में आ जाए उतना डाल दें। इसे थोड़ा सा उलट पलट कर सेंक लेंगे कुरकुरी होने तक। पापड़ी कुरकुरी हो चुकी है, लाइट ब्राउन कलर आ चुका है, निकाल लेंगे। बिल्कुल कुरकुरी है, अभी थोड़ा सा ठंडा होने दो तो हम तोड़ के दिखाएंगे, और कुछ सेकंड कढ़ाई में रोके ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए, उसके बाद इसको निकाल लेंगे। सेम तरीके से मैं पहले पापड़ी ही तैयार करके फिर आगे मैं दिखा रही हूँ सेव निकालना। अब आपको सेव निकाल कर दिखा देंगे। अब पहले मैं पॉलीथीन से आपको सेव निकाल कर दिखाऊंगी। यहाँ एकदम बिल्कुल बारीक काट दें, जितना मोटा आपको सेव निकालना हो, आपको दिख रहा हो तो एकदम बारीक ऐसे काट दें। मैं काट दे रही हूँ इस तरीके से। इसको आप ऐसे दबाएंगे ना, ऐसे प्रेशर देंगे तो सेव निकलता जाएगा। देख रहे होंगे आप कितना अच्छा सेव निकल रहा है। इस तरीके से जितना एक बार कढ़ाई में आ जाए उतना डाल दें, इतना ही आ रहा है, फिर उसमें दोबारा से डाल लूँगी। थोड़ा सा घुमा फिरा दें और थोड़ा सा जब ये सीख जाए ना तो इसे पलट दें। मोटा सेव निकाल रही हूँ मैं, ये सेव पक चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। इससे निकालेंगे, इसमें मैं पहले तेल लगा ली हूँ और डो रख दें, और इस हथेली से इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो निकल जाएगा।
इस तरीके से आप प्रेशर देंगे, देखिए आप कैसे नमकीन गिरती जा रही है इस तरीके से। एक बार जितना कढ़ाई में आए उतना ही करें। गैस के फ्लेम मीडियम रखें और इसे खोल देंगे। ऐसे ये सेकेंगे, हल्का से तेल करते जाएंगे तो ये खुल जाता है। गैस के फ्लेम लो करके थोड़ा और इसका कलर अच्छा आने देंगे और कुरकुरा हो जाए बिल्कुल, लेकिन ऐसे उलटते पलटते रहें इस तरीके से। नमकीन सिक कर तैयार हो गई, मशीन की ज़रूरत है, इतना बढ़िया सेव निकला है देखें। सेम तरीके से जितनी नमकीन बनानी हो बना कर तैयार कर लें, आसानी से निकल जाती है। अब हम मूँगफली को तल लेंगे। 200 ग्राम मूँगफली ले लिए हैं, एक ही बार में डाल देंगे। गैस के फ्लेम मीडियम करके इसे भी कर लेंगे, 3-4 मिनट लगेगा। मूँगफली भी तैयार हो गई, चटकने लगती है और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, इसे भी निकाल लेंगे हम। नमकीन तैयार हो गई और इसी बर्तन में निकाल लेंगे। सेव तैयार हो गया, मोटा पतला जैसे चाहें अपने हिसाब से सेव बना लें। इस तरह का झारा होगा आपके पास जिससे पूड़ी वगैरह निकालते हैं, इससे भी सेव आसानी से निकल जाता है। बस डो आप एकदम नरम बनाएं, जिससे ज़्यादा दबाव ना देना पड़े, हल्का सा दबाव दें तो नीचे से सेव निकलता जाए, इतना नरम डो बनाएं। ये मूंगफली डाल दी हम जो फ्राई किए थे तेल में, और ये जो पापड़ी बनाए थे इसे भी डाल देंगे। थोड़ा छोटा कर लें, बिल्कुल कुरकुरी बनी है ये देखें, छोटा करके डालेंगे। इसी में डाल देंगे पापड़ी को। नमकीन के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। इस चम्मच से मैं सारा मसाला आधा आधा चम्मच ली हूँ, और पहले भी मैं इस जो बेसन का आटा तैयार करी थी इसमें नमक डाली हूँ, इसलिए आधा चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और 1 चम्मच आमचूर पाउडर है इसे डाल देंगे। 1 चम्मच इससे फुल भर के ये चाट मसाला है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। आधा चम्मच काली मिर्च है इसको डाल देंगे। 1 चम्मच काला नमक डाल देंगे। भुना हुआ जीरा पाउडर है आधा चम्मच डाल देंगे। अब ये मसाले हम मिक्स कर लेंगे। सादा नमक रेगुलर का जो है उसे मैं नहीं डाली हूँ, क्योंकि इस आटे में नमक डाला हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बाद में डाल लूँगी। ये जो मसाले मिक्स करी हूँ इसे हम डाल देंगे। अपने टेस्ट अनुसार मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। पूरा ही डाल दी। नमकीन को और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसे लग रहा है कि बिना मशीन का है। देखो इतनी बढ़िया नमकीन तैयार हो गई, आप अपने घर पे आसानी से बनाएं। आपको मशीन भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। आप चाहे झारा से निकाल लें या पॉलीथीन से, जैसे झारा रहेगा जैसे पॉलीथीन जितना काटोगे मोटी पतली वैसे ही सेव निकलेगा। देख लीजिए ना कितना आसान है सेव नमकीन बनाना। इस तरीके से आप बनाएं, ऐसे पापड़ी बना लें। इसमें चना दाल भी डाल सकते हैं, मसूर भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो इस तरह से बनाएं। वीडियो पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें, एक लाइक देना ना भूलें प्लीज़। तो मिलती हूँ ऐसे अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।